चलो हम दिल्ली पहुंच गए और हमारी गाड़ी यहाँ पर ऑलरेडी पहुंच के रेडी है। गेस व्हाट, हमें स्वीट दे दी। यस, थार पे बड़े चक्के लगा के घूमते हैं यहाँ पे दिल्ली में। यही तो है मजा ऑफ रोड करने का। गुड मॉर्निंग, सुबह के 6:30 बज गए। मारुति रिट्स एम्बिएंट लाइटिंग के साथ। क्या एम्बिएंट लाइटिंग है बॉस, एयरपोर्ट पहुंच गए। चलो हम दिल्ली पहुंच गए और हमारी गाड़ी यहाँ पर ऑलरेडी पहुंच के रेडी है। ये है सुजुकी MUX। चलो जाते हैं, बहुत सारी मीटिंग्स आज। फाइनली 3:45 हम पहुंच गए हैं होटल। टाइम लगा काफी मीटिंग्स में और यहाँ की रोड इतनी टूटी फूटी है। अच्छा हुआ फोर व्हील ड्राइव गाड़ी लेकर आया आज। तो बेसिकली हम रूम फाइनली पहुंच गए और इस बार हमें रूम में एक अच्छी सी बालकनी भी मिली है। ये देखो कितनी अच्छी खासी बालकनी, थोड़ी गंदी बंदी है बट एनीवेज मैंने दो बेड इसलिए लिए, एक पे हम अपना सामान इक्विपमेंट बिछाएंगे चार्ज करने के लिए, कल शूट है ना। ऑब्वियसली रूम का साइज डिसेंट है, बहुत भूख लग रही है, कुछ ऑर्डर करते हैं, खाते हैं फिर बात करते हैं। ऑलमोस्ट 6 बज रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं खाया क्योंकि रूम से मैं सेटिस्फाइड था नहीं। रूम में ना थोड़े बहुत मतलब गंदे टॉवल्स वगैरह थे, तो मैंने कंप्लेन किया जिस ऐप से मैंने बुक किया, उन लोग ने बोला कैंसिल करो। होटल बोलते हम कैंसिल नहीं करेंगे, तो उनने फिर हमें एक्चुअली अपग्रेड करके दे दिया है। गेस व्हाट, हमें स्वीट दे दी। यस, बिकॉज उनके पास बाकी रूम्स थे नहीं और मैं बहुत अपसेट था, तो बोले कि चलो आपको खुश करने के लिए हम आपको स्वीट दे देते। मैं शॉक था कि हॉलिडे इन जैसा होटल चेन ऐसे मतलब सफाई क्यों नहीं करता ठीक से। तो एनीवेज हमें अपग्रेड कर दिया है। किचन है वहाँ पे, हमारे कोई काम का नहीं क्योंकि हमें खाना बनाना ही नहीं आता, मतलब आता है पर बनाते नहीं, मतलब हमें आता ही नहीं। एनीवेज यहाँ से सिमिलर व्यू है पहले जैसा, देख रहे हो यहाँ पे मतलब बहुत एरिया है ऑफ रोडिंग करने के लिए। तो इसुजु को ले जाएंगे, मजाक कर रहा हूँ, इसुजु को हम कल बहुत तगड़ी जगह ले जाएंगे। कल तो जो मजा आने वाला है अलग लेवल। चलो एक काम करते हैं, अभी फ्रेशन अप होता हूँ क्योंकि मैंने एक स्मार्ट चीज की, मैंने अपना बैग ही नहीं खोला। ठीक है, अरे ये लाइट क्यों बंद हो गई, अभी लाइट बहुत जाती है। गुड मॉर्निंग, अभी हम ऑलमोस्ट आधे घंटा लेट रन कर रहे हैं, नींद पूरी नहीं हुई, पहले ज्यादा नींद हो रही थी। कभी बैलेंस नहीं हो सकता क्या जिंदगी में? नहीं, थार पे बड़े चक्के लगा के घूमते हैं यहाँ पे दिल्ली में, गुड़गांव साइड में। देखो कितना बड़ा चक्का है यार। एंड हम फाइनली लोकेशन पहुंच गए, थोड़ा लेट पहुंचे बट कोई नहीं, हमारी गाड़ियां आ चुकी हैं। जैसे आप देख सकते हैं हम एक ऑफ रोड जगह है, इसका नाम है ओराज ऑफ रोड एडवेंचर जोन। एंड हमारी इसुजु तो है हमारे साथ, ऑफकोर्स उसके साथ आई है, मतलब अभी मंगाई है। कौन सी बेस्ट गाड़ी सेगमेंट में आप सब जानते हो, टोयोटा फॉर्च्यूनर, हाँ फोर व्हील ड्राइव। पर क्योंकि मेरी शर्ट पे ये है तो ऑब्वियसली आरएस की टाटा सफारी भी यहाँ पर है। तीन गाड़ियां और बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, आज होगा कड़क ऑफ रोड डे। अभी बज रहे हैं 1:30, हालत खराब होगी, सुबह से कुछ खाया नहीं, बहुत डिहाइड्रेट हो गया, जबकि सर्दी चल रही है बट गर्मी बहुत है। सन को देखो इतना ज्यादा ब्राइट है, थोड़ा बहुत छूट हो गया, थोड़ा बहुत बाकी। यहाँ पे हमने पार्क किया, देखो गुरखा वहाँ पे खड़ी हुई है, ऑडी टीटी, मर्सिडीज ई क्लास, SX4, ये फॉर्च्यूनर में हम आए हैं। वो देखो जेन फुल्ली राइस्ड अप है। एंड आरएस के पास दो तो जेन्स थी एक टाइम पे, टू जेन्स, बट उसके पास चावल नहीं था अनफॉर्चुनेट, क्या राइस करके बैठे हुए हैं। बट फॉर्च्यूनर सबसे चमक रही है यहाँ पे, वो देखो इसुजु खड़ी है। हम कोई मतलब ऑटोमोबाइल थीम्ड कैफे जा रहे हैं अभी, बाय द वे मजा आ गया फॉर्च्यूनर को चला के ऑफ रोड। इनफैक्ट देखो इतनी मट्टी अभी भी यहाँ पे पड़े हुए, पत्थर वत्थर अभी भी पड़े हुए, सोचो क्या ऑफ रोड क्या है, मजा आ गया। चलो कुछ खाते हैं, बहुत थक गया। पिज्जा ऑर्डर किया है जिसमें बेस नहीं है, सिर्फ चीज है। कैफे ना इधर बाइक्स वाइक्स पार्क होती हैं क्योंकि बाइक थीम कैफे है। बाय द वे हम देहरादून में भी यही वाला गए थे, मतलब उसकी एक ब्रांच है, पूरा एकदम अच्छे से बना कर रखा है हर जगह बाइक वाइक वगैरह। यहाँ पे यही एक अच्छी जगह थी अपेरेंटली खाने के लिए पास में, लाइक हार्डली फाइव मिनट्स अवे। इतनी ज्यादा बाइक्स हमें पार्क करके रखते हैं, सोचो कितना पैसा यहाँ पे ब्लॉक्ड है, और स्पेशली ओल्ड बाइक्स है, जावा की पुरानी वाली। चलो निकलते हैं शूट पे, बैक टू शूट ब्रो। मैं उड़ता जाए, देखो यही तो है मजा ऑफ रोड करने का। डोंट वरी, ट्रैक्शन है, फोर व्हील ड्राइव का यही फायदा है, यहाँ पे पावर नहीं आ रही, यहाँ पे है मतलब पावर इन द सेंस इट्स नॉट एबल टू पुट दैट पावर डाउन क्योंकि टायर हवा में है। बट एनीवेज कीप कमिंग। फाइनली 4 बज गए, शूट खत्म हो गया है। ठीक है, फॉर्च्यूनर का सबसे पहले शूट खत्म किया, फॉर्च्यूनर को भेज दिया। सीन क्या हुआ ना कि मैं अकेला आया हूँ, तो आरएस दिल्ली से आया है अपनी सफारी लेके, ठीक है, अपने धनुनो लेके, अपने शेरा को लेके। इसके चक्कर में यही हुआ कि ऑब्वियसली मैं अजय देवगन में दो गाड़ी तो चला नहीं सकते एक टाइम पे, तो फॉर्च्यूनर के लिए मैंने टोयोटा को बोला कि आप है ना गाड़ी भेजना ड्राइवर के साथ, एंड लेट द ड्राइवर टेक बैक द कार, लेट हिम वेट। तो ड्राइवर वाज गेटिंग इंपेशेंट एनीवेज, तो वी डिसाइड उसका पूरा शूट खत्म कर दें, तो पूरा ड्रोन करके उसको भेज। अभी ये भाई साहब वापस आए हैं, क्यों? क्योंकि ये फोर लो से निकल नहीं पा रहे। फोर लो से निकलने के लिए पहले आपको न्यूट्रल में डालना पड़ता है, फिर निकलती है वो फोर लो से, उसी के चक्कर में ये वापस आ गए। इतना गला सूख रहा है मुझे, MUX पे ब्लॉक करना है, मुझे सफारी पे ब्लॉक करना है, लेकिन आज मैं और कुछ नहीं करने वाला, मैं भी जाकर कुछ पीऊंगा, बहुत प्यास लग रही है। दो ड्रिंक्स भी हम लोग ने फिर भी
ही प्यास है, थोड़ा जुकाम है, तो उसमें कोई मतलब नहीं है वीडियो शूट करके, बाद में करेंगे। ऑफ रोड है आई थिंक मेरे हिसाब से डिसेंट हो गया, बारिश वारिश तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट एक्सपेक्ट इन नवंबर एंड इश, बट एनीवेज अब हम यहाँ से निकलेंगे, जाते हैं। द नेक्स्ट डे गुड मॉर्निंग गाइस, कल रात को मैं 4 बजे सोया, पता नहीं नींद नहीं आ रही थी जबकि मैं बहुत थका हुआ था, तो आया फिर बहुत काम था, फ्राइडे था ना, तो इतनी सारी ईमेल्स, मतलब 100 ईमेल्स थी, ये सेल्स का डेटा ये सब मुझे बहुत प्रेस रिलीज आती है, मैं थोड़ी बहुत आई गो थ्रू देम टू गेट सम इन्फॉर्मेशन एंड ऑल व्हाट्स हैपनिंग इन द इंडस्ट्री, बट उसके चक्कर में ना बहुत लेट हो गया सोते सोते। एक्चुअली मैं डायनेस्टी वगैरह देख रहा था, थोड़ा चिल कर रहा था, रात को खाना खाया बहुत लेट, मीटिंग वीटिंग ये सब के चक्कर में, बट अभी वीकेंड है, थोड़ा यू नो सिस्टम ठीक है। एंड अभी हम जाएंगे कोई गाड़ी चलाने, पहले चेकआउट करते हैं, फिर यहाँ से 2 घंटे चला के जाना है क्योंकि हम जाएंगे गुड़गांव से गाजियाबाद। पागल हो गए हो क्या? गाजियाबाद बहुत दूर है, लेकिन थैंकफुली हम इस हाईवे पे हैं जिसका नाम है वेस्टर्न पेरिफेरल हाईवे, एंड इस पे स्पीड लिमिट 120 है, मतलब कि जल्दी पहुंचेंगे होपफुली, ट्रैफिक ना मिले तो। 80 किलोमीटर ऐसी ही रोड है, सीधी 120 की स्पीड लिमिट, चलो क्रूज कंट्रोल हमने लगा दिया ऑलरेडी, और अब बस होपफुली टाइम पे पहुंच जाए, क्योंकि आज एक नहीं दो वीडियो शूट करने हैं मुझे। अरे भैया गाजियाबाद तो बहुत दूर निकला, लेकिन अभी चलो रोड खाली है, चलो धन्ना, बस इतना ही चलेगी। ये पूरा एक्सप्रेसवे है ना सोलर पावर पे चल रहा है, और ये क्या बना के रखा है टोल बूथ को भी यार, तरंगी। देखो भैया गूगल मैप्स हमें ऐसी ऐसी जगह लेकर आता है जहाँ पे हमें समझ ही नहीं आ रहा है यहाँ रोड क्यों बनाई गई है और क्यों नहीं बनाई गई है, मतलब ये देख रहे हो आगे पूरा टूटा फूटा। अच्छी बात ये है कि इसकी राइड बहुत अच्छी, बॉडी ऑन फ्रेम है, कहीं अटकेंगे नहीं, फोर व्हील ड्राइव में डालेंगे और निकाल देंगे, तो इसलिए ऐसी टाइप की गाड़ियों की बहुत अहमियत है इंडिया में। जो जगह आना था हम फाइनली पहुंच गए, और ये देखिए थार पे रैंगलर, नई रैंगलर का बम्पर, तो ये थार साफ हो रही ताकि हम ले सके, बहुत आवाज आ रही है, और ये एक और थार और वो गाड़ी जिसके लिए हम आए हैं हाइलक्स। इतनी लंबी ड्राइव करके आया हूँ मैं ये गाड़ी चलाने, यस ये है टोयोटा की हाइलक्स। नाउ इशू ये हुआ है ना कि टोयोटा रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहा गाड़ी की, इसलिए हमें दे नहीं पा रहा चलाने के लिए, मैंने कहा मैं तो वैसे भी चलाने वाला हूँ, तो हाइलक्स ये एक्चुअली मॉडिफाइड है, इसमें 2 इंच का लिफ्ट किट लगाया हुआ है, और ये एक रैंगलर है, सॉरी रैंगलर बोल रहा हूँ, ये थार है, रैंगलर के बोल रहा है, ये रैंगलर JL का वो लगाया हुआ है इसमें फ्रंट बंपर, और उसके तरह सनरूफ भी बनाई हुई है, तो ये हम ब्लॉक करेंगे ऑलरेडी लेट रन करें, क्योंकि एक और बहुत पुरानी गाड़ी आज हमें चलानी है, ज्यादा पुरानी नहीं बट ऐसी सॉर्ट ऑफ सेगमेंट से ही। ये बॉडी ऑन फ्रेम का एडवांटेज देखो, यहाँ पे सब वैसे मतलब रेंग रहे हैं, हम यहाँ पे हॉर्न मार के उड़ा देंगे बस, नो एफ्स गिवन, चलो चलो हटो रास्ते से अबे साले। ओके सो बेसिकली हम चला रहे हैं स्कॉर्पियो गेटवे, विच इज बेसिकली द पिकअप ट्रक वर्जन ऑफ द स्कॉर्पियो, और इसके लिए इतना लेट हो गया, मैंने वॉक अराउंड 3 मिनट में किया, मैंने इतनी जल्दी वॉक अराउंड जिंदगी में कभी नहीं किया, बट यू नो ना आई एम ऑन अ मिशन की व्लॉग तो छोटा करो, मोर इंटरेस्टिंग करो, फास्ट स्मूथ एंड बेटर। एनीवेज इसमें साइकिल भी पड़ी हुई है, मैं बीन्स दूंगा ना ऑफ रोड, तो शायद साइकिल गिर जाए, अगर गाड़ी खराब होगी तो साइकिल भी निकल जाए, क्या रेवोल्यूशनरी फीचर है। ऑलमोस्ट आई थिंक 6 महीने हो गए, 6 महीने से वर्सल मुझे बोल रहा है कि आके चला लो स्कॉर्पियो गेटवे गेटवे गेटवे, इसलिए आज फाइनली मैंने चला ली, और ऐसी अनोखी और रैप्चिक लोकेशन लेकर आया है कि खड़े खड़े आदमी को डेंगू हो जाए मलेरिया हो जाए, मतलब क्या बकचोदी, ऐसी कैसी लोकेशन मिलती तुम्हें, ये कैसी मिली बताओ? बस मिल गई, लास्ट मिनट प्लान आया सर, चल झूठे ऐसा कुछ नहीं, लास्ट मिनट कब से, एक हफ्ते पहले मैंने बता दिया था कि मैं आ रहा हूँ, बोलता है मुझे वीडियो भेजता, मैंने इस वीडियो को इस मूवी सॉरी क्या इस गाड़ी का वीडियो बनाया है, लोकेशन देखना बहुत बम है, लोकेशन भेजा, बोलते स्पाइस मॉल के नेक्स्ट टू है, मैंने देखा ये लोकेशन में क्या बकचोदी चल रही, कचरा वचरा है, मुझे लगा ऐसे मजाक वजाक करा होगा, कहीं अच्छी जगह ले जाएगा, और ये देखो असली, अरे आई थिंक मलेरिया हो जाएगा, हम लोग निकलो यहाँ से। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया, पानी पिया है बस, बट ऑलमोस्ट 6:30 बज रहे हैं, गाड़ी को भूख लग रही है, तो अभी फ्यूल अप कर रहे हैं हम, क्योंकि आउट ऑफ फ्यूल हो गए और कल सुबह निकलना है, बहुत काम है, अभी जाएंगे होटल चेक इन करेंगे, फिर कुछ ऑर्डर करेंगे, कुछ खाएंगे, फिर बहुत सारी चीजें करनी, प्रिपेयर भी करना है, क्योंकि आज फॉर्मूला 1 भी है। फाइनली पहुंच गए होटल, गाड़ी हमने यहीं पे पार्क कर दी है क्योंकि मिल गई जगह नेक्स्ट टू कंपस, तो फाइनली हम होटल पहुंच गए, थोड़ा वेट करना पड़ा रूम के लिए, जिसके चक्कर में उन लोग ने मुझे एक्चुअली ये वाला रूम दे दिया, ठीक है मैंने बुक नहीं किया था ये वाला रूम, बट उन लोग ने मुझे ये वाला रूम दे दिया, बेसिकली अपग्रेड कर दिया, क्योंकि उनके पास रूम क्लीन अभी हो रहे थे, दिस इज एक्चुअली अ सुइट, एंड यहाँ पे बहुत सही जगह है, आदमी भाग सकता है। जोक्स असाइड, यहाँ पे ना थोड़ा बहुत लैपटॉप रख के काम वाम कर सकते हैं, बट मुझे ये रूम इंपॉर्टेंट इसलिए लग रहा है क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे रील शूट करनी है, स्टोरी शूट करनी है, वो भी मतलब छोटी मोटी रील नहीं, वो वाली रील जिसमें मैं एक और बंदे से बात करूँ, मतलब मेरे डबल रोल वाले के लिए, तो अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। कुछ नहीं खाया, खाना ऑर्डर किया है, अभी आएगा लगभग 15-20 मिनट में, तब तक हम थोड़ा बहुत कैमरा के साथ खेलेंगे, अनपैक करेंगे और रूम भी गंदा कर देंगे ये सब निकाल के। बाय द वे फॉर्मूला 1 भी अभी, चलो बुद्ध सर्किट पे पहुंच गया, सबसे पहले हम गाड़ी में ऑलरेडी बैठ चुके हैं, तो ये देखो गाड़ियां कौन सी यहाँ पे खड़ी हैं। अब गाड़ी इतनी अग्रेसिवली चलाई ना तो टायर्स की तो बैड मच जाती है, इसलिए वो लोग एक्स्ट्रा टायर्स लेकर आते हैं, आई थिंक मैंने सबसे ज्यादा टायर्स खाए हैं आज।